हे सुपर आर्मी एंड वेलकम बैक टू सुपर डुपर हिंदी। तुम सबको याद होगा कि ऐश के पास जोटर रीजन में एक लार्विटार पोकेमॉन होता है जो एक एक्स से हैच होता है। एक तरीके से वो ऐश का पोकेमॉन ही होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो लार्विटार अपनी माँ टायरेटार से अलग हो गया है तो डिसाइड करता है कि वो लार्विटार को उसकी माँ के पास पहुँचा के रहेगा और वो ऐसा कर भी देता है। लेकिन क्या होता अगर वो लार्विटार ऐश के पास होता, तो यही चीज आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, इस वीडियो के बाद क्यूएनए वीडियो पक्का आएगी, सो चिंता बिल्कुल ही मत करना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपको पोकेमॉन की वीडियोस देखने को मिलती है। तो चलिए फिर आज के इस पोकेमॉन की वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब एक तरीके थ्योरी ही है और मैं स्टोरी के अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने वाला। मैं वहीं पे चेंजेस करूँगा जहाँ पे लार्विटार इस स्टोरी के अंदर फिट हो सकता है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जब ऐश लार्विटार को उसकी माँ के पास छोड़ देता है और जब वो वहाँ से वापस आ रहा होता है, तब लार्विटार ऐश को देख के रोने लगता है और लार्विटार की माँ यानी कि टायरेटार इस चीज़ को देख के समझ जाती है कि ऐश लार्विटार का बहुत अच्छे से ख्याल रखते आ रहा है और फ्यूचर में भी रख सकता है। इसलिए टायरेटार लार्विटार को ऐश के साथ जाने के लिए बोल देती है, मतलब कि लार्विटार को फ्रीडम है कि वो ऐश के साथ जाके उसके जर्नी पे उसका साथ दे सकता है। इस चीज को देखकर ऐश और लार्विटार बहुत खुश हो जाते हैं और वो जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। तो जोटरीजन के एंड तक लार्विटार किसी भी बैटल में पार्ट नहीं लेता, या बोले कि ऐश उसे किसी भी बैटल के अंदर यूज नहीं करता, क्योंकि फिलहाल वो एक बेबी पोकेमॉन होता है और उसके पास जो पावर्स होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और वो थोड़ा उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। ये हम स्टार्टिंग के एपिसोड में देख चुके हैं, इसलिए ऐश उसे बचा के रखता है ताकि उसे फ्यूचर में ट्रेनिंग दे सके। सो जोटरीजन की जर्नी एंड हो जाती है और ऐश लार्विटार के साथ वापस कैंटो रीजन में आ जाता है। अब ट्विस्ट आता है होएन रीजन की जर्नी में। इस बार ऐश पिकाचू के साथ साथ अपने साथ लार्विटार को भी होएन रीजन की जर्नी पे ले जाता है, क्योंकि ऐश को रियलाइज हो जाता है कि लार्विटार एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, लेकिन उसे ट्रेनिंग देने की जरूरत है और ट्रेनिंग देने के लिए लार्विटार को उसके साथ होना जरूरी है। वो लार्विटार को एक रिस्पॉन्सिबल एंड एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बनाना चाहता था, क्योंकि वो बचपन से ही किसी के साथ घुला मिला नहीं था और वो एक मैच्योर पोकेमॉन भी नहीं था। सो ऐश एक तरीके से लार्विटार को एक मैच्योर पोकेमॉन बनाना चाहता था। आगे की स्टोरी भाई सेम होती है कि ऐश होएन रीजन में आता है, वो वहाँ पर मे मैक्स उसके फादर से मिलता है, उसके बाद ब्रॉक से मिलता है और वो सब लोग साथ मिलकर अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं जब ऐश अपनी फर्स्ट जिम बैटल के लिए रोक्साना के पास बैटल करने के लिए जाता है। वहाँ पर ऐश लार्विटार को यूज करता है। रोक्साना के जियोडूट के अगेंस्ट ऐश अपने लार्विटार को बैटल में यूज करता है और लार्विटार वहाँ पर अपनी पावर्स को शो करता है, जैसे कि हिडन पावर, और वो हिडन पावर यूज करने पर जियोडूट इजिली डिफीट हो जाता है। क्योंकि हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि लार्विटार वैसे ही पैदा होता है, उसके पास काफी स्ट्रांग मूव आ जाते हैं और जैसे कि उसके पास कंट्रोल नहीं होता अपने पावर को यूज करने का, इसलिए वो ओवर पावर हो जाता है, जिस वजह से वो रोक्साना के जियोडूट को इजिली डिफीट कर देता है। नेक्स्ट राउंड में रोक्साना नोज पास को यूज करती है, जहाँ पर ऐश अपने पिकाचू को यूज करता है और पिकाचू बहुत ही मेहनत करने के बाद रोक्साना के नोज पास को डिफीट कर देता है। इस बैटल से ये फायदा होता है कि लार्विटार को बैटलिंग का एक्सपीरियंस मिल जाता है और वो बहुत कुछ चीजें लर्न भी करता है एंड थोड़ा बहुत लार्विटार के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है बैटलिंग करने का। अब ऐश को रियलाइज हो जाता है कि लार्विटार को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, इसलिए वो लार्विटार को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही जर्नी चलती रहती है और ऐश सेकंड जिम लीडर को भी हरा देता है। जब ऐश थर्ड जिम लीडर के पास जाता है, तब ऐश लार्विटार को यूज करता है वॉटसन के मैग्नेमाइट के अगेंस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक टाइप के मूव रॉक टाइप मूव के अगेंस्ट असर नहीं करते और लार्विटार तो एक रॉक एंड ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है, इसलिए इस मैच में तो लार्विटार को ही फायदा होना था। जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि ऐश का लार्विटार वॉटसन के मैग्नेमाइट को डिफीट कर देता है और वहां पर वो न्यू मूव सैंडस्टॉर्म को लर्न कर लेता है। और सेकेंड थर्ड राउंड में तो ऐश का पिकाचू ही सभी पोकेमॉन्स को हरा देता है वॉटसन के, क्योंकि वो ओवरचार्ज हो जाता है। आई थिंक ये सबको पता ही होगा कि पिकाचू ओवरचार्ज क्यों हो जाता है उस टाइम, तो यार मैं इस बात को एक्सप्लेन नहीं करने वाला। अब हम आगे की स्टोरी पे चलते हैं। अब इस स्टोरी के बीच में वही सेम स्टोरी रहती है 4 जिम से लेकर 7 जिम तक, क्योंकि इस जर्नी के बीच में ऐश के बाकी पोकेमॉन जैसे कि स्वेलो, ग्रोवाइल, टॉर्कोल, कॉर्फिश एंड पिकाचू जैसे पोकेमॉन्स का मेन रोल होता है, इसलिए मैं स्टोरी को चेंज नहीं करने वाला। लेकिन आप लोग ये मान लो कि स्टोरी के बीच में लार्विटार छोटे मोटे ट्रेनिंग करता रहता है, मतलब कि छोटे मोटे बैटल्स करता रहता है, इसमें वो हारता भी है और जीतता भी है अपने दोस्तों के साथ ही, ताकि वो एक्सपीरियंस को गेन करता रहे।
सो इस बात को टीम रॉकेट नोटिस करती रहती है कि लार्विटार टाइम टू टाइम स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना वो पिकाचू की जगह पर फिलहाल लार्विटार को चुरा ले और अपने बॉस को दे दे, ताकि उनका बॉस लार्विटार को देखकर खुश हो जाए और वो उनको इनाम दे दे। सो टीम रॉकेट एक ऐसा केज बनाती है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल से बना होता है, ताकि ऐश के पोकेमॉन उस केज को ब्रेक ना कर पाए, और वो ऐसा केज बना भी लेते हैं और वो ऐश के लार्विटार को चुरा भी लेते हैं। जिससे कि होता ये है कि टीम रॉकेट अपने बैलून के अंदर लार्विटार को चुरा के ले जा रही होती है, तब ऐश उस केज के ऊपर लटक जाता है और बैलून हवा में होता है, जिसे देखकर लार्विटार को टीम रॉकेट बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसका दोस्त मतलब कि ऐश बीच हवा में लटक रहा होता है, जिसे देखकर लार्विटार इवॉल्व हो जाता है प्यूपिटर में, और वो उसी टाइम एक न्यू मूव यानी कि डार्क पल्स को लर्न कर लेता है, और वो केज के ऊपर लगातार डार्क पल्स अटैक यूज कर रहा होता है, जिससे कि केज टूट जाता है। और जब ऐश एंड प्यूपिटर नीचे गिरने ही वाले होते हैं, ब्रॉक अपने लोटैट की हेल्प से वाटर गन यूज करता है ताकि उनकी गिरने की स्पीड लो हो जाए, और नीचे ग्राउंड पे आने पर प्यूपिटर डार्क पल्स यूज करता है टीम रॉकेट के ऊपर, और टीम रॉकेट वहां से गायब हो जाती है। लार्विटार प्यूपिटर में इवॉल्व हो चुका है, इस चीज को देखकर ऐश बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने पुराने दिन याद करने लगता है लार्विटार के साथ। उसके बाद प्रोफेसर ओक प्यूपिटर को अपनी लैब में वापस बुला लेते हैं ऐश को बोल के, क्योंकि प्रोफेसर ओक को प्यूपिटर के ऊपर रिसर्च करनी होती है, और ऐश ऐसा ही करता है, वो प्यूपिटर को प्रोफेसर ओक के पास वापस भेज देता है, एंड होली रीजन की जर्नी के एंड तक प्यूपिटर प्रोफेसर ओक के पास ही रहता है। इनसे कैटून रीजन वापस आने पर जब ऐश बैटल फ्रेंड जर्नी पर जा रहा होता है, तो वो प्यूपिटर को अपने साथ ले लेता है ताकि वो उसे और भी ट्रेनिंग दे सके। बैटल फ्रंट की जर्नी के टाइम प्यूपिटर बहुत ज्यादा मेहनत करता है, अपने ट्रेनिंग पर ध्यान देता है और बहुत सारे एक्सपीरियंस लर्न करता है, और न्यू मूव लर्न करता है एक और अर्थक्वेक, और ऐसे ही करते करते ऐश की बैटल फ्रंट की जर्नी भी खत्म हो जाती है, और उस जर्नी के एंड तक प्यूपिटर एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बन चुका होता है। और जब ऐश अपनी न्यू जर्नी पर जा रहा होता है यानी किसी रीजन, तो वो प्यूपिटर को प्रोफेसर ओक की लैब में ही छोड़ जाता है। ऐश की सिनोजन की जर्नी स्टार्ट हो जाती है और वही सेम स्टोरी चलती है जो अब तक आप लोग देखते आ रहे हो। अब ऐश पोकेमॉन लीग में भी एंड में पार्ट ले लेता है, और वो सोचता है कि वो अपने पुराने पोकेमॉन का यूज करेगा ताकि वो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, और ये बात वो किसी को रिवील नहीं करता कि वो अपने पुराने पोकेमॉन्स का यूज करने वाला है। ऐश की सबसे पहले बैटल होती है नैंडो से, जहां पर वो अपने पुराने पोकेमॉन कोलावा को यूज करता है, और वो बाकी पोकेमॉन को भी यूज करता है और नैंडो को डिफीट कर देता है। उसके बाद उसकी बारी आती है कॉनवे को हराने की, जहां पर कॉनवे शक्ल को यूज करता है, और वहां पर रिवील होता है कि ऐश प्यूपिटर को यूज करता है जो पहले प्रोफेसर ओक से मंगा चुका था। अब दोनों ही पोकेमॉन बैटल स्टार्ट हो जाती है। यहां पर ऐश को एक डिसएडवांटेज ये होता है कि शक्ल एक बग टाइप पोकेमॉन होता है, और जैसे कि प्यूपिटर एक रॉक एंड ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है, तो ये पोकेमॉन बग टाइप पोकेमॉन के अगेंस्ट वीक होते हैं। प्यूपिटर अपने स्ट्रॉन्ग मूव शक्ल के ऊपर यूज कर रहा होता है, लेकिन शक्ल के पास स्पेशल डिफेंस और डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो प्यूपिटर के अटैक से अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है, और शक्ल अपने बग टाइप मूव से प्यूपिटर को डिफीट कर रहा होता है। ऐसी दोनों बैटल चलती रहती है, दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं। एंड में प्यूपिटर बहुत थक जाता है और शक्ल अपना लास्ट मूव यूज करने ही वाला होता है प्यूपिटर को डिफीट करने के लिए, लेकिन उसी टाइम प्यूपिटर टायरेनिटार में इवॉल्व हो जाता है, जिसे देखकर ऐश तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन कॉन्वे शक्ल के मुंह पे 12 बज जाते हैं। टायरेनिटार बहुत गुस्से में होता है और वो अपना हाइपर बीम यूज करता है शक्ल के ऊपर, जिसके बाद एक ही मूव लगने पर वहां पर शक्ल डिफीट हो जाता है। एंड उसके बाद ऐश अपने बाकी के पोकेमॉन से कॉन्वे के रिमेनिंग पोकेमॉन्स को डिफीट कर देता है। उसके बाद वही सेम स्टोरी चलती है और पोकेमॉन लीग के खत्म होने पर ऐश टायरेनिटार को वापस प्रोफेसर ओक की लैब में भेज देता है। सो गाइस, इसके बाद टायरेनिटार की स्टोरी यहीं पर ही एंड हो जाती है। आई होप कि आपको मेरी यह स्टोरी पसंद आई होगी, अगर ऐश लार्विटार को अपने पास रखता। अगर आपको ऐसी और भी व्हाट इफ वीडियोस देखनी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं डेफिनेटली कोई ना कोई नए टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना के ही रहूंगा। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब के बगैर कहीं मत जाना ऐसे ही पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय।